Hello student, I hope you are fine. In previous video, we discussed about division of algebraic expressions. Now today, we will continue the same topic. So, previous video में आपने division of a monomial by a monomial देखा था और division by a polynomial by a monomial देखा था और last में कुछ question आपने division of a polynomial by a polynomial भी देखा था. So, चलिए हम ये टॉपिक कंटिन्यू करते हैं. सो कुछ क्वेश्चन हम और डिस्कस करेंगे आज डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के. सो एग्जांपल इज डू द फॉलोइंग डिवीजंस. फर्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 117 डिवाइड बाय एक्स माइनस 13. सो देखिए यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 117, तो पूरे में कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है, ठीक है. दूसरा है डिवाइड बाई एक्स माइनस 13, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो देखिए यहाँ तो कुछ कैंसिल होगा नहीं, ठीक है. तो अब हमें करना क्या पड़ेगा, अब हमें ये पता करना पड़ेगा कि एक्स माइनस 13 एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 117 का फैक्टर है कि नहीं. लाइक लिखा हो 6 डिवाइड बाई 3, ठीक है. हमें पता ही नहीं, मान लीजिए कि 3 के टेबल में 6 आता है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं 6 का फैक्टर करते हैं, तब पता चलता है कि वो 2 × 3 है. अब वो 3 से रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है. तो वही काम अब हमें यहाँ करना है. सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे. सो एक साइड हम फैक्टराइज करेंगे, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 117. तो देखिए पूरे में कुछ कॉमन आ नहीं रहा है और लास्ट टर्म हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है क्योंकि 3 टर्म्स है, या तो फर्स्ट सेकंड आइडेंटिटी लगेगी या फोर्थ मिडिल टर्म. तो देखिए यहाँ पे मिडिल टर्म लगेगा क्योंकि लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है. तो चलिए 117 को हम ब्रेक कर देते हैं. सो 117 किससे ब्रेक होगा, सबसे पहले 3 से होगा, ठीक है. तो हो गया 3 × 3 = 9, 2 × 27, 3 × 9 = 27, फिर 3 से होगा 13. अब 13 प्राइम नंबर है, 13 से होगा 1, ठीक है. चलिए हम पेयरिंग करते हैं, तो ले लेते हैं पहले 3, ठीक है. और दूसरा नंबर क्या हो गया, 3 × 13, 39. तो देखिए 3 और 39 को ऐड करने पे 42 आ रहा है और हमें चाहिए क्या 22, तो नहीं आ रहा है. सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा 36, तो वो भी नहीं आ रहा है. अब देखिए फर्स्ट 2 नंबर को हम ले लेते हैं, 3 × 3 = 9, अब अच्छा क्या 13. तो देखिए 9 और 13 को ऐड करने पे हमें 22 मिल रहा है, मतलब यही दो नंबर हमें लेना है. तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर 9x 13x प्लस 117. तो देखिए ऐड करने पे आ रहा है 22, तो देखिए रिजल्ट हमारा नेगेटिव में है मिडिल टर्म का, तो दोनों नेगेटिव लेंगे, तब जाके ऐड होके नेगेटिव साइन आएगा. सो अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेते हैं फिर लास्ट 2 टर्म में से. सो देखिए फर्स्ट 2 टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो बच्चा एक्स माइनस 9. और लास्ट 2 टर्म में क्या कॉमन आएगा, 13 कॉमन आएगा, ठीक है. और हमें नेगेटिव भी कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि मिडिल टर्म में वहां पॉजिटिव है और हमें चाहिए क्या, नेगेटिव चाहिए. सो नेगेटिव 13 कॉमन ले लिए, बच्चा एक्स माइनस साइन चेंज हो गई 9, क्योंकि 13 × 9 होता है 117. अब एक्स माइनस 9 कॉमन लेंगे, सो बच्चा एक्स माइनस 13, ठीक है. सो चलिए अब हम डिवाइड करते हैं. सो इक्वल टू यहाँ लिखेंगे हम डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 117 अपॉन एक्स माइनस 13, ठीक है, इक्वल टू. सो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एक्स माइनस 9 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 13 अपॉन एक्स माइनस 13. देखिए हमें पता चल गया कि एक्स माइनस 13 इसका फैक्टर था, तो कैंसिल हो गया, तो बच्चा आंसर एक्स माइनस 9, ये फाइनल आंसर, ठीक है. कम टू द नेक्स्ट पार्ट, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 132x डिवाइड बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 11. सो चलिए सबसे पहले हम अपॉन के फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 132x अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 11. सो चलिए सबसे पहले हम न्यूमरेटर को साइड में फैक्टराइज कर लेते हैं, उससे हमें आराम रहता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, इससे अच्छा सबसे पहले हम साइड में फैक्टराइज कर लेते हैं, पुट करके रिड्यूस कर देंगे जो रिड्यूस होना रहेगा.
क्योंकि हमें ये तो पता ही करना ही पड़ेगा कि एक्स माइनस इलेवन फैक्टर है कि नहीं, ठीक है, वो तो कॉमन लेने पे आएगा नहीं। सो चलिए हम साइड में फैक्टराइज कर लेते हैं। सबसे पहले एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 132x। तो देखिए सबसे पहले x कॉमन लेंगे पूरे में से, तो बच्चा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132, ठीक है। अब देखिए थ्री टर्म्स है रिमेनिंग पार्ट में, तो 132 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं, सो यहाँ फर्स्ट और सेकंड आइडेंटिटी तो यूज होगी नहीं, तो हम फोर्थ आइडेंटिटी यूज करेंगे मिडिल टर्म। सो 132 का फैक्टर कर लेते हैं, सो 2 से होगा 66, 2 से होगा 33, 3 से होगा 11, 11 से होगा 1, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम 2 लेते हैं पहला नंबर, फिर 2 3 जा 6, 6 मल्टीप्लाई बाई 11 66, ऐड करने पे 68 आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करने पे 64, हमें तो 1 चाहिए, नहीं आ रहा है। अब फर्स्ट 2 नंबर लेंगे, 2 2 जा 4, बचा क्या 3 मल्टीप्लाई बाई 11 33, ऐड करने पे 37 आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करने पे 29, ये भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए हम फर्स्ट 3 नंबर ले लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 11, तो देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 1 मिल रहा है, ठीक है, यही दोनों लेना पड़ेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर 12x 11x माइनस 132, सब्ट्रैक्ट करने पे आ रहा है, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव, रिजल्ट पॉजिटिव में चाहिए, तो बिगर नंबर पॉजिटिव स्मॉलर नंबर नेगेटिव। अब फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेंगे और लास्ट टर्म में से 2, तो हो गया x कॉमन आ रहा है, तो बच्चा x प्लस 12 माइनस 11 कॉमन आएगा यहाँ पे, तो बचेगा x प्लस 12, ठीक है। सो x x प्लस 12 कॉमन आएगा, बचेगा x माइनस 11, ठीक है। चलिए अब हम इसको पुट कर देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम न्यूमरेटर में x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 11 अपॉन x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 11, सो x x कैंसिल, x माइनस 11 कैंसिल, तो आ गया x प्लस 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज 2x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 16x डिवाइड बाय x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 4। तो देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर अभी फैक्टराइज है नहीं, क्योंकि न्यूमरेटर में x माइनस 2 x माइनस 4 ऐसे दे रखा है, तो चलिए पहले साइड में इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। अगर डायरेक्ट रिड्यूस हो रहा था तो हम कर लेते, लेकिन यहाँ तो हमें पता ही नहीं रिड्यूस होगा कि नहीं, तो चलिए साइड में करते हैं। 2x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 16x, तो पूरे में कुछ कॉमन आ रहा है, 2, 12, 16, तो तीनों 2 के टेबल में आएंगे तो 2 कॉमन आएगा, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर और x, x कॉमन हम ले सकते हैं, तो बचा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ठीक है। अब देखिए जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें मिडिल टर्म लगेगा, क्योंकि लास्ट टर्म हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है नहीं। सो 8, 8 किसके किसके टेबल में आता है, एक हो गया 2, 4 जा 8, दूसरा हो गया 8, 1 जा 8, और तो किसी में आता नहीं है, रिवर्स होगा बस। तो 2 और 4 देखिए ऐड करने पे 6 आ रहा है, तो हमें यही दो नंबर लेना है, सो जाएगा 2x स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर 2x 4x प्लस 8, ऐड करने पे आ रहा है मिडिल टर्म नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव हो, ठीक है। सो 2x अब फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेंगे, सो x कॉमन आ गया x माइनस 2। अब देखिए जो नेक्स्ट 2 नंबर है उसमें 4 कॉमन आएगा, लेकिन हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि मिडिल टर्म में नेगेटिव चाहिए, सो बचा x माइनस 2, ठीक है। सो 2x x माइनस 2 कॉमन आएगा, बचा x माइनस 4, ठीक है। चलिए हम वहां पे अब लिख देते हैं, सो लिखेंगे यहाँ पे पहले 2x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 16x अपॉन x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 4। हम न्यूमरेटर की जगह हम लिख सकते हैं 2x मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 4। सो कैंसिल हो गया एक्स माइनस 2 फिर एक्स माइनस 4 भी कैंसिल हो गया, रिजल्ट आ गया 2x, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, 9x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई 3x प्लस 2। सो यहाँ पे पहले हम डिवाइड के फॉर्म में से लिख लेते हैं, 9x स्क्वायर
माइनस फोर अपॉन थ्री एक्स प्लस टू। बहुत बच्चे क्या करते हैं, थ्री एक्स को नाइन एक्स स्क्वायर से कैंसिल कर देते हैं और टू को फोर से। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको न्यूमरेटर को फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो चलिए हम साइड में फैक्टराइज कर देते हैं। सो नाइन एक्स स्क्वायर माइनस फोर, तो देखिए पहले पूरे में कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, ठीक है। अब टू टर्म्स हैं, बीच में नेगेटिव है, और देखिए फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मीन्स यहाँ पे थर्ड आइडेंटिटी यूज होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं थ्री एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू होल स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो थ्री एक्स प्लस टू मल्टीप्लाई बाय थ्री एक्स माइनस टू। सब यहाँ पे लिखेंगे हम न्यूमरेटर की जगह थ्री एक्स प्लस टू मल्टीप्लाई बाय थ्री एक्स माइनस टू अपॉन थ्री एक्स प्लस टू, ठीक है। रिड्यूस हो गया, सो आंसर आ गया थ्री एक्स माइनस टू, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ इज थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टी एट डिवाइड बाई एक्स माइनस फोर। तो चलिए अपॉन के फॉर्म में हम लिख लेते हैं थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टी एट अपॉन एक्स माइनस फोर, ठीक है। सो हमें न्यूमरेटर को फैक्टराइज करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं वो एक्स माइनस फोर के टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टी एट, तो देखिए पूरे में थ्री कॉमन आ रहा है, तो सबसे पहले हम कॉमन लिखेंगे थ्री बचा एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन, सिक्सटीन इंटू थ्री क्योंकि फोर्टी एट होता है। अब देखिए जो रिमेनिंग पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन, टू टर्म्स है, दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, बीच में नेगेटिव की साइन है, तो थर्ड आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं। तो थ्री स्क्वायर ब्रैकेट एक्स का होल स्क्वायर माइनस फोर का होल स्क्वायर इक्वल टू थ्री एक्स प्लस फोर इंटू एक्स माइनस फोर, ठीक है। ये फैक्टराइज हो गया, चलिए हम न्यूमरेटर की जगह लिख लेते हैं थ्री एक्स प्लस फोर इंटू एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस फोर। सो एक्स माइनस फोर रिड्यूस हो गया, तो थ्री इंटू एक्स प्लस फोर। कम टू द लास्ट पार्ट, एक्स रेज टू द पावर फोर माइनस सिक्सटीन डिवाइड बाई एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस एट। अब देखिए यहाँ पे ना न्यूमरेटर फैक्टराइज है और ना ही डिनोमिनेटर फैक्टराइज है, हमें दोनों को फैक्टराइज करना पड़ेगा, ठीक है। सो चलिए हम दोनों को फैक्टराइज कर लेते हैं। सो यहाँ पे लिखेंगे हम एक्स रेस टू दी पावर फोर माइनस सिक्सटीन, तो देखिए टू टर्म्स है, दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, थर्ड आइडेंटिटी लगाएंगे, बीच में नेगेटिव है। सो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस फोर का होल स्क्वायर, तो ए के प्लेस पे एक्स स्क्वायर है, बी के प्लेस पे फोर है, ठीक है। सो गया ए मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस फोर, ए माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस फोर अभी फिर ब्रेक हो सकता है, अगेन थर्ड आइडेंटिटी यूज होगी। सो एक्स स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर ब्रैकेट एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर, सो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर इंटू एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू। न्यूमरेटर फैक्टराइज हो गया है, अभी हमें डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है। सो एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस एट, देखिए फोर टर्म्स है, तो रिग्रुपिंग वाला मेथड यूज होगा, फर्स्ट टू टर्म में कॉमन लेंगे, लास्ट टू टर्म में कॉमन लेंगे। तो फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बचा एक्स प्लस टू, लास्ट टू टर्म में फोर कॉमन आ रहा है प्लस फोर एक्स प्लस टू, अब एक्स प्लस टू कॉमन आ रहा है, बचा एक्स स्क्वायर प्लस फोर। डिनोमिनेटर फैक्टराइज हो गया है, ठीक है। अब हम दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, सो इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर फोर माइनस सिक्सटीन अपॉन एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस एट। तो न्यूमरेटर में अब हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस फोर मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस टू मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस टू अपॉन, न्यूमरेटर में लिख सकते हैं एक्स प्लस टू मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस फोर। एक्स प्लस टू कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस फोर कैंसिल, बचा एक्स माइनस टू।
ये फाइनल आंसर है, ठीक है। इस चैप्टर में एक टॉपिक और है, कैन यू फाइंड द एरर, वो हम आपको बाद में क्लास में बताएंगे, ठीक है। नाउ वी नो दैट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, सो हियर गिवन अ क्वेश्चन, दिस इज योर टू डेज क्लास वर्क विच आर फ्रॉम एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 14.3 विच आर सेम एज एग्जाम्पल्स विच वी डिस्कस्ड अर्लियर इन द वीडियो, सो ट्राई टू सॉल्व इट एंड आफ्टर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस चेक योर आंसर विच आर गिवन हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।